हमारे यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य भारी मतों से जीत रहे हैं और वो सिराथू के बेटे हैं और ये हम लोगों के सबके लिए सौर्य की बात है हमारे ही विधानसभा का आदमी आज इतने उच्च पद पर बैठ गया तो ये हमारे लिए गर्व की बात है हिंदू आस्था का अपमान है का जी 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 भगवा को जंग लगा बोलना कोई जंग नहीं लगा चमक आ गई भगवा में दुनिया में लहराएगा भगवा पल्लवी पटेल सभा प्रत्याशी है लगता है उनके कुछ कैंडिडेट है यहाँ की नहीं है जीतू भाग जायी अच्छा हाँ इनका कोई भरोसा नहीं बाबा जमे रहेंगे और 325 से प्लस आएंगे जी ने बहुत विकास किया दस किलोमीटर की दूरी पे कम से कम तीन ओवर ब्रिज दिए अंडर पास दिए रेलवे पे एक ये गंगा नदी पे बहुत बढ़िया अभी दिए अभी चौबीस तारीख को चालू हो गया है बाईस में तो बन ही रहे सत्ताईस में भी बने गए दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल की न्यू जो है अखिलेश यादव ने रखा बस गलती से शाहजहां ने उसका फीता काट दिया इसलिए वो शाहजहां के नाम हो गया अच्छा, तो इसलिए मतलब हर चीज पे अपना नाम करना हाँ, और दूसरी चीज आप बता रही थी की जंग का रंग भगवा है मैं आपको बता देता हूँ जो तिरंगे में जो हमारा भगवा रंग है ना वो त्याग का प्रतीक है वो जो भगवा धारण करते हैं योगी आदित्यनाथ ना वो, वो सनातन धर्म के लिए त्याग का है, प्रतीक है समझ रहे हैं आप और जिसकी नीच मानसिकता है नीच मानसिकता का मतलब जो नकारात्मक सोचता है वो हमेशा नकारात्मक बातें ही करता है और लोगों को नकारात्मकता की ओर ले जाता है पिछली सरकारों में कि हर चौराहे पे चाय की दुकानों में दो असलाहदारी बैठे रहते थे आज ये सब चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं बहुत अच्छा काम उनका नहीं रहा है उनसे पाँच सालों में बेहतर काम बाबा ने किया है और एक बार बाबा पुनः आने चाहिए चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देंगे से गए क्षेत्र से गायब हो जाते हैं ना हुआ है। बिल्कुल हुआ है पांच साल कहाँ दिखाई दिए चुनाव टाइम पे दिखाई दे, दे वो केवल ट्विटर पे दिखाई देंगे बस इस वक्त मैं सिराथू विधानसभा में हूँ देखिए केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से इस बार प्रत्याशी हैं डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के और पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं सिराथू में 2012 में देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने जीत हासिल की थी और उसके बाद ही जब 2017 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन हुए थे केशव प्रसाद मौर्य का इतना हाथ रहा था और पार्टी केशव प्रसाद मौर्य से इतनी प्रसन्न हुई थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया था उत्तर प्रदेश का अब यहाँ से देखिए सिराथू जो है केशव प्रसाद मौर्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब

सड़क बनवाई उन्होंने पूरा जाल बिछा दिया और केंद्र सरकार की योजना जैसे किसान सम्मान निधि है धारा 370 है पैतीस है तीन तलाक है सारे विकास गरीबों को अन्य योजना है किसान सम्मान निधि है गरीबों को पक्का मकान है दोहरा राशन है इससे जनता बहुत खुश है गरीब जनता खास तौर से अच्छा, तो आप चाहते हैं कि फिर से सिराथू विधानसभा में बीजेपी आनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी पटेल सभा प्रत्याशी है लगता उनके कोई है उनके कुछ कैंडिडेट है यहाँ की नहीं है ये जीत जीतू भाग जाएं। अच्छा है इनका कोई भरोसा नहीं कोई भरोसा जीत के भाग जायेंगे हाँ हाँ बिल्कुल तम नहीं पब... जन, जनता भरोसा नहीं करती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा, अखिलेश यादव जैसे बाबा को बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ को कि 11 तारीख को यानी कि 10 मार्च के बाद बाबा 11 तारीख को मठ चले जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे बाबा की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से बने बाबा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का 11 तारीख को ऑस्ट्रेलिया का टिकट करा दिया है लंदन का टिकट करा दिया हाँ वो भाग जाए मगर बाबा जमे रहेंगे और 325 से प्लस आएंगे 325 सौ पच्चीस प्लस आएंगे जी जी चलिए ठीक है आपका क्या नाम है संजय केशवर अच्छा संजय जी आपको क्या लगता है इस बार सिरा से किसकी जीत केशव मौर्य जी की केशव प्रसाद मौर्य जी जी क्या क्या विकास कार्य कर दी केशव जी ने बहुत विकास किया दस किलोमीटर की दूरी पे कम ऐसी कम तीन ओवर ब्रिज दिए अंडर दिए रेलवे पे एक ये गंगा नदी पे बहुत बढ़िया हाँ, अभी अभी चौबीस तारीख को चालू हो गया है जो सत्तर किलोमीटर की दूरी थी वो तीन किलोमीटर की दूरी में परिवर्तन हुई मतलब इतना बड़ा यहाँ पर विकास तो लोग खुश हैं हाँ हाँ बहुत बहुत खुश हैं बाबा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के अखिले की अखिलेश यादव की 11 तारीख को लंदन की टिकट कर दी है वो तो पार्टी अपना अपने हाई लेवल से जाने हमें क्या मालूम अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे क्या लेके? अब जाना है तो उनको जाना है अब हम क्या बता सकते हैं उसके बारे तो में तो बाबा को मठ भेज रहे थे तो मठ रहे रहे? कहीं ना जाइए वो रहेंगे विधानसभा में हाँ बाईस में तो बने रहे सत्ताईस में भी बनेंगे वो सत्ताईस में भी ये कंफर्म है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं वो तो हरा जाएंगे सत्ताईस में तो उनका नाम नहीं रहेगा अच्छा आपका क्या नाम है देवराज पांडे अच्छा देवराज जी आप क्या गाएंगे किसकी सरकार योगी सरकार योगी सरकार जी अच्छा, विधानसभा में कितना कार्य किया है केशव प्रसाद मौर्य बहुत सारा कार्य हुआ है सड़कों का जाल बना हुआ है अंडर पास ओवर ब्रिज बना हुआ है अभी शहजादपुर का एक पुल है कल मैं उस पर घूम के आया हूँ बहुत अच्छा पुल है तीन जिलों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए और केशव जी हमारे सिराथू के बेटे हैं और 2012 के बाद से उन्होंने बहुत सारा काम किया और इस बार पुनः वो फिर से आएंगे दो हज़ार में उनकी जीत हुई उन्होंने कार्य किया इससे पहले क्या हालात हुआ करते थे हालत तो अच्छी नहीं थी ठीक से बिजली नहीं आती थी कोई भी सुविधाएं अच्छी ढंग से नहीं मिलती थी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद से तमाम परिवर्तन हुए हैं और अभी धरातल पे सब दिख भी रहा है तो केशव जी अगर यहाँ से एक बार जीतते हैं जीतेंगे निश्चित रूप से जीतेंगे तो यहाँ जो है कौसाम्बी का संपूर्ण विकास होगा हर तरीके से जैसे होना चाहिए समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के सामने पल्लवी पटेल को खड़ा किया है महिला कैंडिडेट को खड़ा किया है क्या लगता है असर पड़ेगा कुछ नहीं असर बहुत तो नहीं पड़ेगा उनको अपने सिम्बल पर आना चाहिए था और गलत पार्टी का चयन उन्होंने सपा का कर लिया है बीजेपी के साथ उनको आना चाहिए था जब उनकी जो है छोटी बहन थी बीजेपी के साथ तो उन्हें भी बीजेपी के साथ आना चाहिए था गलत पार्टी का चयन किया है अभी हम तो मैं तो देखता था विगत पिछली सरकारों में कि हर चौराहे पे चाय की दुकानों में दो असलाहदारी बैठे रहते थे आज ये सब चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं हर तरफ अमन शांति है और जो है एक तरह से जो है वातावरण बहुत अच्छा है विकास हो रहा है हर तरीके का जो है तो सब कुछ पल्लवी पाटिल ने गलत पार्टी को हाँ गलत पार्टी का चयन किया है अगर वो जो है अपना दल एस के साथ ही रही होती तो आज अपना दल भी बहुत अधिक जो है उपलब्धि हासिल की होती है गलत पार्टी का चयन किया है इसलिए जनता उनको यहाँ से नकार देगी हम लोग उनके फेवर अखिलेश बोल रहे हैं बाबा को बाबा ग्यारह तारीख को मठ चले जाएंगे ऐसे ही बाबा ने अखिलेश को बोला है की लंदन का टिकट कटवा दिए है उनका क्या देखिए अखिलेश भी उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और बाबा भी रहेंगे उत्तर प्रदेश में बाबा मठ अपने काम से जाएंगे चूंकि मठाधीश है वहाँ के और बाकी जनता की सेवा करेंगे अखिलेश भी कहीं जाने वाले नहीं है वो भी यहीं के हैं वो भी यहीं रहेंगे बहरहाल चुनाव से बाहर हो जाएंगे हार जाएंगे वो भी यही रहेंगे कोई कहीं जाने वाला नहीं है ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं लगते रहते हैं जी अखिलेश ने कुछ काम किया था उत्तर प्रदेश अगर पूरे उत्तर हाँ कुछ काम किया था लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं किया है उनके आने के बाद जो है यही सब भ्रष्टाचार है और नौकरियाँ पैसे पे दी जाती हैं कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो जाती है गुंडा माफिया राज ये सब हम लोग ऑलरेडी देखते चले आए हैं तो बहुत अच्छा काम उनका नहीं रहा है उनसे पांच सालों में बेहतर काम बाबा ने किया है और एक बार बाबा पुनः आने चाहिए पुनः आने चाहिए जी पिम्पल यादव क्यों बोल रही हैं ऐसे कि योगी साधु और संत के कपड़े जंग लगे होते हैं भगवा जंग लगे अब ये उनकी मर्जी है बोलने का कोई कुछ भी बोल सकता है जो है साधु संत हिंदू आस्था का अपमान है जी 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 भगवा को जंग लगा बोलना कोई जंग नहीं लगा चमक आ गई भगवा में दुनिया में भगवान हाँ। पंकज कुमार पंकज जी क्या कहेंगे से कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य भारी मतों से जीत रहे हैं और वो सिराथों के बेटे हैं और ये हम लोगों के सबके लिए शौर्य की बात है आज हमारे इस क्षेत्र से इतने द, इतने वर्ष हो गया जब से यहाँ भारतीय कानून लागू हुआ जब से ये संविधान बना उसके बाद से आज तक हमारी सिराथू विधानसभा में मैं इसके पहले जो सीट रही हूँ लेकिन जब तक मैंने मत दिया इसके पहले दो बारह के पहले उसमें जो है यहाँ से कोई विधायक बढ़िया चुन करके नहीं जाता था कि जो हमारी सिराथू की आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचा सके भी भी। और उसके बाद हुआ क्या जब हमारे ही क्षेत्र का आदमी हमारे ही विधानसभा का आदमी आज इतने उच्च पद पर बैठ गया तो ये हमारे लिए गर्व की बात है हम किसी भी दल से बिलोंग करते हैं हमारा इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर हमारे क्षेत्र का कोई बेटा अगर ऊपर जा रहा है आ, मतलब विधानसभा में नंबर एक की सीट पर नंबर दो की सीट पर अगर बैठ रहा है तो हम उसका समर्थन करते हैं अदरवाइज कभी भी कोई नेता आएगा जो नंबर वन की सीट पर जा रहा है तो उसका समर्थन आम जनमानस को भी करना चाहिए सीट पक्की है यानी हाँ केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे इसमें कोई शक नहीं है पल्लवी पटेल देखिए उनका भी चुनाव है अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि देखिए वो भी हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं मैं ये नहीं बिल्कुल नकार सकता हूँ कि उनका मत नहीं है उनका भी मत है जो उनको चाहने वाले हैं भाई दो तरह के लोग होते हैं कुछ लोग बाहरी वालों को ज्यादा पसंद करते हैं जैसे घर में अपने होता है बाहरी लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं वो अपने माँ बाप को नहीं पसंद करते हैं अपने भाई को नहीं पसंद करते हैं कुछ लोग होते हैं अपने भाई और परिवार को पसंद करते हैं गाँव को पसंद करते हैं तो हम गाँव पसंद करने वाले में लोगों में ये बाहरी प्रत्याशी हैं अखिलेश को योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि ग्यारह को अखिलेश जी का लंदन का टिकट करवा देंगे क्या कहेंगे करेंगे इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए लंदन अखिलेश तो अब अखिलेश कहाँ जाने भाई इसको हम नहीं जानते हैं एक अखिलेश कहाँ हैं है? उनके कहना हम भाई सागिर तो वहीं ना वो अपन जहाँ उनका जाये जहाँ हमसे क्या मतलब है चुनाव के बाद जाएंगे के नहीं ये सवाल है चुनाव के बाद अब वो हाँ विदाई तय है चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल हुआ है पाँच साल कहा दिखाई दी वो केवल ट्विटर दिखाई देंगे बस पे काफी सारी चीजें शेयर करते हुए लिखते हैं कोई विकास नहीं हुआ बस बस वही तक सीमित है वो तो जिस विकास की बात करे उन्होंने किया हर निकलेंगे तब तो विकास दिखाई देगा ना उनको हमारे यहाँ विभिन्न जगहों पर ओवर ब्रिज बन चुके हैं आज ये गंगा चौबीस तारीख से गंगा ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है तमाम चीजें विकास हुई है हर जिले में हर गांव में सड़कें बन चुकी हैं अब कितना विकास हो जब यहाँ आएंगे तब तो विकास दिखाई देगा ना उनको बोल देंगे इसका नीव भी उन्होंने रखा था बाबा तो सिर्फ रिबन का नहीं 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 एक मिनट उन्होंने नींव रखा था तो बनाया नींव आज ये उनके कहने थोड़ा नहीं रखा था वो न्यू बाबा ने रखा था और बाबा के कार्यकाल में बन गया वो केवल भांसरबाजी है उनका बस हो गया दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल की न्यू जो है अखिलेश यादव ने रखा बस गलती से शाहजहा ने उसका फीता काट दिया इसलिए वो शाहजहाँ के नाम हो गया अच्छा तो इसलिए मतलब हर चीज पे अपना नाम करना कर और दूसरी चीज आप बता रही थी कि जंग का रंग भगवा है मैं आपको बता देता हूँ जो तिरंगे में जो हमारा भगवा रंग है ना वो त्याग का प्रतीक है तो जो भगवा धारण करते हैं योगी आदित्यनाथ ना वो सनातन धर्म के लिए त्याग का प्रतीक है समझ रहे हैं आप और जिसकी नीच मानसिकता है नीच मानसिकता का मतलब जो नकारात्मक सोचता है

कौसाम्बी जिले में कोई उन्होंने स्थाई विकास किया कोई यहाँ पर मैं पूरे कौशाम्बी ज़िले की बात करता हूँ कि कोई भी स्थाई विकास जनहित में उन्होंने नहीं किया मैं कौसाम्बी की जनता को चैलेंज करके बोलता हूँ कि एक स्थाई विकास बता दें जो समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया हो बहुजन समाज पार्टी की बात करिए बहन कुमारी मायावती भतीजी अपने आप को दलित नेता बताती हैं दलितों के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कौशाम्बी में जरा बताएं वो कुछ तो, काम नहीं हो कुछ विकास नहीं जातिवाद पर अगर मैं बात करूं बीजेपी में उतना जातिवाद है जितना आप लोग बात कर रहे हैं कि पहले मैडम आपको दिखता है आपको दिखता है कहीं पे बीजेपी में जातिवादिता आपको कहीं दिखाई दे रही है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं या इतना मेरे हम लोगों से ज्यादा हम लोगों से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा है आप घूम रहे हैं हर जगह बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो आपको बीजेपी में कहीं जातिवादिता दिखाई देती है यहाँ पर आप जाएंगे तो हर मैं अल्टरनेट जिले की बात करूँ तो कहीं कोई एक धर्म विशेष से जो है जिला अध्यक्ष है आप एक जाति विशेष से देखेंगे जिला अध्यक्ष देखें। है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो साफ साफ इस प्रकार की मानसिकता को दिखाती है